और आपके पिताजी का क्या नाम है? अनीस। अनीस कहाँ रहती हैं? इमली मोहल्ले में तिलर। आप मुसलमान थी? हाँ, मुसलमान थे। फिर क्या हुआ, पूरी बात बताइए। अब हमने हिंदू लड़के से पहले बातचीत करते थे, हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। कितना के लिए एक नई स्टोरी लेकर आए हैं जो बिल्कुल अलग है, धन मांतरण से परे है। यूं तो धन मांतरण और लव जिहाद के नाम पर बड़े बड़े डंके पीटे जाते हैं, लेकिन एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू धर्म को अपनाया और 5 महीने पहले शादी भी कर ली। उसने धर्मपाल से शादी कर ली और शादी करने के बाद एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। यह मामला हम आपको बता रहे हैं, थाना तिलर का, मोहल्ला इमली, एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। 5 महीने पहले शादी करी एक मुस्लिम लड़की ने, और मुस्लिम लड़की ने शादी करने के बाद जो आप देख रहे हैं, आर्य समाज मंदिर में शादी करी धर्मपाल के साथ, और धर्मपाल से शादी करने के बाद उसने अपने धर्म को भी परिवर्तन कर लिया। मुस्लिम लड़की जिसका काल्पनिक नाम शहाना हम बता रहे हैं आपको, जो अब उनने अपना नाम रखा है अंशु उर्फ पूजा, और एक ही मोहल्ले में रहने वाले हैं। लड़की की ससुराल भी उसी मोहल्ले में, और थोड़े कदम की दूरी पर मायका भी वहीं पर है। मायके वालों को हर वक्त जिल्लत का सामना करना पड़ता है। इसी बात को लेकर 4 दिन पहले हुई रात में मारापीटी के दौरान लड़की का ये कहना है कि मेरी सास को, बेद कुमारी को, मेरे बाप ने, अनीस ने, और मेरे भाई सज्जन ने, और मेरे भाई सलमान ने मेरी सास वेद कुमारी के साथ साथ मेरे पति धर्मपाल को भी मारा। लड़की के जो बयान है वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिस समय बच्चा माँ बाप पैदा करते हैं, खास करके लड़की को, उस समय ये भेदभाव नहीं करते हैं, और अपना खून पसीना पिलाकर जब बच्ची को जवान करते हैं तो उसका ये भरोसा नहीं कि किस पल पलट जाए। और वही हुआ, मुस्लिम समुदाय की लड़की एकदम पलट गई, और पलटने के बाद हिंदू लड़के से शादी करी, और शादी करने के बाद धर्म भी परिवर्तन कर लिया। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, जो उसके माँ बाप हैं, उनका ये कहना है कि हमने चलाचल संपत्ति से अलग कर लिया, लेकिन चूंकि एक ही मोहल्ले में ससुरा और मायका है, इसलिए घटना हर वक्त मंडराती रहती है। हालांकि तिलर की पुलिस को पूरा मामला संज्ञान में है, 5 महीने पहले शादी हुई थी, क्योंकि 5 महीने शादी होने के बाद उसके बाद में दोनों रहने लगे, लेकिन लड़की के माता पिता का ये कहना है कि लड़का दहेज मांग रहा है। लड़की घर पर आती है और जबरन दहेज मांगती है, जबकि उनने धर्म को भी परिवर्तन कर लिया। काल्पनिक नाम शहाना था, लेकिन अब अंशु और पूजा हो गई। लेकिन विस्तार से हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे भी कि एक बेटी जिसने अपने माँ बाप का खून पसीना पीकर जवान हुई, और पल भर में दूसरे के लिए मजहब भी बदल लिया, और मजहब बदलने के साथ साथ अपने प्रेमी पे इतना आशिक हो गई कि उसने अपने पिता अनीस और अपने भाई सलमान और सज्जन, यहां तक उसने अपने चचा बनने को भी ना छोड़ा, उस पर आरोप लगाए। उनका ये कहना है कि हमने अपनी बेटी को, अपनी भतीजी को बेदखल कर दिया, लेकिन लड़की के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ये घटना किसी दिन गंभीर रूप ले सकती है, क्योंकि लड़का सीना तान कर निकलता है लड़की को लेकर, और लड़की के जो घरवाले हैं मुस्लिम पक्ष के, वो जब देखते हैं तो वो तरह तरह की बातें करते हैं, और तानाकशी होती है, और विवाद लंबा खिंच सकता है। लेकिन आपको हम विस्तार से पहले दिखाते हैं और सुनवाते भी हैं कि जिस माँ बाप ने अपनी लड़की को पास पोल कर इतना बड़ा जवान करा, लेकिन उस लड़की ने किस तरीके से आंख फेरी, और आंख ऐसे नहीं फेरी, अपने पिता अपने भाई के ऊपर आरोप भी लगाया, और 5 महीने पहले मुस्लिम समुदाय को ठोकर मार के हिंदू धर्म अपनाया, और इसके साथ साथ उसने शादी भी कर रही धर्मपाल से। लेकिन जब हमने पूछा तो सीना तान कर उसने क्या कुछ बताया, जरा सुनिए। और आपके पिताजी का क्या नाम है? अनीस। अनीस कहाँ रहती हैं? इमली मोहल्ले में तिलर। आप मुसलमान थी? हाँ, मुसलमान थे। फिर क्या हुआ, पूरी बात बताइए। अब हमने हिंदू लड़के से पहले बातचीत करते थे, हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। कितना पहले? 5 साल हो गए करीब। फिर क्या हुआ?
फिर हम लोग चले गए साथ में। मतलब चले गए का मतलब घर छोड़ के चले गए? घर छोड़ के चले गए हम दोनों एक साथ में। ठीक। और फिर बाद में मेरे बाप ने रिपोर्ट लिखवाई हमें वो। आपके बाप का क्या नाम है? अनीस। अच्छा, फिर वो हमें ले आए पुलिस के साथ में। फिर पुलिस ने हमारा बयान दिलवाया, हमने इनकी तरफ कह दी अपनी पति की तरफ की। हमने कहा हम अपने पति के साथ में जाएंगे। मेरे माँ बाप ने क्या कि हम मेरे साथ चलो, नहीं तो हम तुम्हारे पति को ससुराल वालों को मार देंगे। हमने कि नहीं, हम अपने पति के साथ ही जाएंगे। तो हम अपने पति के साथ चले गए। फिर उनके साथ में हम खुश रहने लगे 4-5 महीने। क्या नाम है आपके पति का? धर्मपाल। और आपके ससुर का? राम सिंह। अच्छा, फिर? फिर हम लोग खुशी से रहने लगे। अब ये लोग मेरा रास्ता रोक रहे हैं, मेरे बाप अनीस मेरा रास्ता रोक रहे हैं, मेरे पति को भी मार रहे हैं। रात क्या हुआ था? रात जी हमें घर में घुस के हमें ढूंढ रहे थे जिसे ले जाने के लिए। और जब तक कौन कौन लोग थे? मेरे बाप थे अनीस, और मेरा भाई था सज्जन बन्ने, और देखो सलमान, और मेरे चाचा थे लियाकत, और उनका लड़का था बारिश। ये लोग सारे लोग आए थे हमें ले जाने के लिए। लेकिन हम तो अंदर घुस गए कमरे में, लेकिन भैया आ गए तो भैया को इन लोगों ने मारा और कहा कि देखो मेरे। क्या नाम है आपके जेठ का? जेठ हैं या देवर हैं? जेठ हैं, उनका नाम रामनाथ है। अच्छा, हाँ, वो आ गए, उन्हें मारा। वो बोले कि इन्हें क्यों ले जाओगे अब? तो वो मेरी तरफ की कह रही हैं क्यों ले जाओगे, तो कह रहे थे तुझे मारेंगे और इनको भी ले जाएंगे। जब तक मेरी सास आ गई उन्हें भी मारा। उनका नाम क्या है? वेद कुमारी। उनको भी मारा, और देखो उनके तमंचे की बेटी मारी सर में। हाँ, पुलिस आ गई थी? पुलिस नहीं आई थी, पुलिस ने हमारी सुनी नहीं। पहले बार में इनको पकड़ा था इन्हीं लोगों ने, मेरे बाप ने उन लोगों को देखो रिश्ता घेरी थी, तो हमने पुलिस में दर्ज करवाई थी, लेकिन उन लोगों ने सुना नहीं, ना रात हमारी लोग की सुनी। अच्छा, और भगा दिया हमें लोगों। कौन सा थाना है आपका? तिलहर। अच्छा, ये बताओ कि आप मुसलमान हो, आपका नाम अनम है, लेकिन आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती करके धर्म परिवर्तन कराया गया या कुछ? ना, अपनी खुशी से, हम अपनी खुशी से गए, अपनी खुशी से रह रहे हैं। वो हमें बहुत खुश रखते हैं, मेरे जेठ देवर, सास ससुर तो नहीं है, पर सास हमें बहुत खुश रखते हैं, मेरे पति भी खुश रखते हैं। आपके ऊपर कोई जोर दबाव डाला गया था हिंदू बनने के लिए या खुद आपने? अपनी खुशी से हम हुए हिंदू, अपनी खुशी से हम उनके साथ गए। अब आपको खतरा क्या है? खतरा अपने बाप से है, वो मेरे जेठ देवर को भी मारेंगे और मेरे पति को भी मारेंगे, हमें भी मारेंगे, सबके लिए कह रहे हैं, सबको मार देंगे हम। पुलिस से आपको न्याय मिला? ना, पुलिस ने हमें न्याय नहीं दिया, वो तो और उनकी सुन रहे हैं, जो पैसा देगा उसकी सुनेगा, हम लोग तो गरीब हैं, हम लोग की क्या सुनेंगे। आप क्या चाहती हो? हम ये चाहते हैं ये लोग हमें खुश रहने दें, और हम वहीं रहेंगे जहाँ हमारा घर है, हम वहीं रहेंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे। घर का मतलब? घर का मतलब जहाँ पर उनका घर है वहीं पर हमारा घर है। वो कह रहे हैं कि यहाँ मत नहीं, रहो। किसका घर है? अपने ससुराल में रहेंगे। अच्छा, ससुराल और मायका दूरी पर है या पास में? पास में ही है। कितना कितना पास है? थोड़ा ही दूर है। अच्छा। हाँ, गली का है बस फासला। तो तुम्हारे गली में उनका घर है, दूसरी गली में हमारा है। तो वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं यहाँ छोड़ दो, यहाँ तिलहरी छोड़ दो, करे कहीं रहो जाके, यहाँ छोड़ दो। कै बहन भाई थे आप? हम छः। छः। आप बड़ी हो छोटी हो? हम तीन भाई से छोटे हैं। क्या नाम है सबसे बड़ी बहन का? हमारी बड़ी बहन नहीं, छोटी बहन है हमसे। छोटी बहन, क्या नाम है? मुनीसा। और हमारा नाम अनम है। और तीसरी बहन का नाम? बहन नहीं, भाई हैं। क्या नाम है भाई का? सज्जन। और दूसरे? एक का बन्ने। और? सलमान। और? गुड्डू। मतलब आपके पिता और परिवार वाले ये चाह रहे हैं कि उनकी बेइज्जती हो रही है वहाँ? बेइज्जती और करें, ये कह रहे हैं इन लोगों को यहाँ से छुड़ा कर भगा दें। मतलब ये वहाँ आपके गांव में रहने से आप उनकी बेइज्जती हो रही होगी? हाँ, इसीलिए तो भगा रहे हैं वो हमें। पुलिस से आपको न्याय मिला? नहीं मिला, अब वो न्याय देंगे भी नहीं, क्योंकि मेरे बाप ने पैसा दे दिया ना इसलिए। अच्छा, जो आपने हिंदू धर्म अपनाया है उसमें आपने अनम नाम रखा है या कोई बदला है? पूजा। पूजा, मतलब पहले मुसलमान थी तो अनम था। हाँ। अब आपका क्या नाम है? पूजा। पूजा। अब आपको शिकायत किससे किससे? सिर्फ अपने, जैसे कि अपने घर वालों से, मेरे बाप भाई यही लोग, मेरे चचा इन्हीं लोगों से शिकायत है, यही लोग मारते हैं जाके। चचा का क्या नाम है आपके? लियाकत। लियाकत। चचा के लड़के का नाम है बारिश। आपको खतरा किस बात का बना हुआ है?
ये लोग मारेंगे, जान से मार देंगे। कल तमंचा लेकर आया सास की, मेरे बेटी मारी और फायर भी एक करा। ये तो भीड़ पड़ गई, तभी और नहीं फेयर करे, नहीं तो मार देते एक आध को जान से। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया ना? अब पुलिस वाले हम ही को पकड़ने गए, मेरे देवर को ही पकड़ लिया, अभी तक वो छूटे नहीं है। सो फ्रेंड्स, इफ यू वॉन्ट टू सी दीज काइंड ऑफ फैक्ट्स इन फ्यूचर, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.